नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। परमाणु हथियार बनाने में एक कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। ये कैप्सूल इतना जहरीला और खतरनाक होता है कि अगर वो बाहर निकल आए तो दुनिया में तबाही मचा देगा। कुछ दिन पहले एक ऐसा ही कैप्सूल गायब हो गया था, जिससे दुनिया दहशत में थी और सभी डर रहे थे। हालांकि अब वो कैप्सूल मिल गया है। आपको बताएंगे कि ये कैप्सूल कहाँ गायब हुआ और किस तरीके से मिला है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में खोया खतरनाक परमाणु कैप्सूल वापस मिल गया है, जो कि हाईवे के किनारे पत्थरों में खो गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया था। इसके अलावा दुनिया भी परेशान हो गई थी। बताया ये जा रहा था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव कैप्सूल के गायब हो जाने से देश में हड़कंप मच गया है। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया ये गया कि खनन में इस्तेमाल होने वाले एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल इसी महीने 10 से 16 जनवरी के बीच ट्रक से पिलबारा खदान साइट पर ले जाते वक्त ऑस्ट्रेलिया के न्यूमैन और पर्थ शहर के बीच गायब हो गया, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था और बाकी दुनिया भी परेशान थी। वहीं काफी खोजबीन के बाद अब ये परमाणु कैप्सूल वापस मिल गया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी जमकर हो रही है। तो चलिए जानते हैं इस खतरनाक परमाणु कैप्सूल के खोने की कहानी। अब आपको बता दें कि ये कैप्सूल जिस खदान से गायब हुआ था, उस खदान कंपनी का नाम रियो टीटो है। वहीं जब कैप्सूल गायब हुआ तो रियो टीटो ने इस हादसे के लिए लोगों से माफी भी मांगी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 2023 से, जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा में लोहे की खदान गुदाई दर्री से इस परमाणु कैप्सूल समेत कुछ और सामान लेकर एक ट्रक निकला। 4 दिन की यात्रा कर 1400 किलोमीटर दूर पर्थ के दक्षिण के इलाके में पहुंचा, लेकिन इस यात्रा के करीब 10 दिन बाद ये पता चला कि परमाणु कैप्सूल तो कहीं गायब हो गया। अब आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस खतरनाक कैप्सूल का इस्तेमाल खदानों में रेडिएशन गॉज के लिए किया जाता है। वहीं इस परमाणु कैप्सूल के साथ एक बोल्ट और स्क्रू भी लापता हुआ, जो कि अभी तक नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रशासन का मानना है कि इतनी लंबी यात्रा के दौरान नट बोल्ट ढीला होकर गिर गया होगा, उसके छेद से कैप्सूल भी गिर गया होगा। अब आपको बताते हैं इस परमाणु कैप्सूल के बारे में। ये परमाणु कैप्सूल असल में सिरेमिक है। ये करीब 8 मिलीमीटर लंबा और 5 मिलीमीटर चौड़ा है। सिरेमिक कैप्सूल के अंदर कैसियम 137 रखा है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो इलेक्ट्रॉन्स की उल्टियां करता है। इसे बीटा रेडिएशन कहते हैं। इसके साथ ही उच्च स्तर की ऊर्जा वाले फोटोन्स भी निकलते हैं। इसे गामा रेडिएशन कहते हैं। बीटा रेडिएशन को सिरेमिक कैप्सूल रोक देता है, लेकिन गामा रेडिएशन को नहीं रोक पाता। कैल्शियम प्रति सेकेंड 1900 करोड़ उच्च ऊर्जा वाली फोटोन्स को निकालता है। इसका इस्तेमाल कुछ प्रकार के कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि अगर ये परमाणु कैप्सूल नहीं मिलता तो क्या होता। जिस तरह से यह कैप्सूल हाईवे पर पड़ा था, इसके आने जाने वालों को तो कोई खतरा नहीं था, क्योंकि अगर आप उसे 1 मीटर की दूरी पर 1 घंटे तक खड़े रहेंगे तो आपके शरीर में 1 मिली सीवर्ट रेडिएशन होगा, जो कि रेडिएशन वाली जगह पर काम करने वाले लोगों की तुलना में 20वां हिस्सा है। लेकिन अगर आप कैप्सूल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 घंटे खड़े हैं तो आपको 100 मिलीसीवर्ट रेडिएशन होगा, जो कि बेहद खतरनाक है। वहीं सबसे ज़्यादा खतरा इस कैप्सूल से तब है जब सिरेमिक का कैप्सूल टूट जाए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी एक घटना 1987 में ब्राज़ील में हो चुकी है। दरअसल ब्राज़ील में कैल्शियम 137 का बड़ा कैप्सूल एक खाली पड़े अस्पताल से चोरी किया गया और फिर वो टूट भी गया। उस कैप्सूल से निकल रही नीली रोशनी को देखने के चक्कर में 250 लोग रेडिएशन से संक्रमित हुए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया में ऐसी एक घटना हो चुकी है। तब भी इप्सविच के उटे से एक रेडियो एक्टिव मॉइस्चर डिटेक्शन गॉज से रेडियो एक्टिव पदार्थ गायब हुआ था। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैल्शियम 137 की हाफ लाइफ 30 से ऊपर की होती है, यानी कि अगर कैप्सूल नहीं मिलता तो उसके अंदर रखे कैल्शियम को आधा खत्म होने में 30 साल लग जाता है और पूरा खत्म होने में 60 साल लगता है। फिलहाल अब कैप्सूल मिल गया है और एक बड़ा संकट दूर हो गया है।